हेलो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है एवोगैड्रोज़ लॉ। ये एवोगैड्रोज़ लॉ हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ लिया है, ठीक है। पर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ मैं, इसके बारे में आपको क्या क्या है इसमें। जैसे एवोगैड्रोज़ लॉ के अकॉर्डिंग इसकी स्टेटमेंट क्या है, जैसे बहुत ज़्यादा गैसेज है। मान लो आपके पास मेनली तीन गैसेज लेती हूँ, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस। तो ये हमारे पास गैस जितनी भी गैसेज हैं इनका इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है। मतलब ये स्पेस क्या है, इक्वल स्पेस क्या कर रहा है, घेर रहे हैं, ठीक है, ये गैसेज। तो इस जो गैसेज हैं इक्वल वॉल्यूम, अगर इक्वल वॉल्यूम है इनका, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो मॉलिक्यूल हैं वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और कंडीशन क्या होती है, अंडर सेम कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर क्या होते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। ये इसकी कंडीशन होती है। तो स्टेटमेंट क्या बनी इसके अकॉर्डिंग, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये स्टेटमेंट किसने दी थी, ये स्टेटमेंट दी थी एवोगैड्रोज ने, ठीक है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। तो जैसे हमें पता है, मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको कि 1 मोल ऑफ गैस में कितने एवोगैड्रोज नंबर कंटेन करते हैं, 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल अगर लेते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में एवोगैड्रोस नंबर कितने कंटेन करेंगे, 6.022 × 10⁻²³ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में कितने एवोगैड्रो नंबर कंटेन करेंगे, 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि हमें पता है कि 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर हमने एटम के केस में लिखना है ये, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 × 6.022 × 10⁻²³ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर इसी में ही है आपको, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, क्या है कि अगर डिफरेंट कंडीशन पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका कितना वॉल्यूम होगा, तो क्या है आपका मोलर मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस अंडर अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो फर्स्ट कंडीशन है जैसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे, मान लो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है 0 °C और 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो अगर इस कंडीशन पे जो गैस के मोल्स हैं उनका क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब 1 मोल ऑफ
द गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.7 एटमोस्फेरिक के लिए ना ये 22.4 लीटर, ठीक है। या हम अगर मिलीलीटर की बात करते हैं तो ये आ जाएगा 22,400 मिलीलीटर, ठीक है। वन मोल ऑफ आइडल गैस का जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 22.4 लीटर या 22,400 ml, ठीक है। इसी में दूसरी कंडीशन है एसटीपी की ही दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर जो है वो प्रेशर कितना लेते हैं, 1 bar प्रेशर लेते हैं, 1 bar प्रेशर लेते हैं सिमिलर कंडीशन के ऊपर, तो जो 1 mole ऑफ गैस तो क्या होगा, 1 mole ऑफ द गैस, 1 mole ऑफ द गैस गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ कितना ऑक्युपाई करेगा वॉल्यूम, 22.7 लीटर पर मोल। ml की बात करें तो ये आ जाएगा 22,700 ml, ठीक है ठीक है, ओके। तो इसी में है नेक्स्ट कंडीशन बी पार्ट जिसको बोल सकते हैं हम, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, ठीक है। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, इसमें क्या करेंगे, अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस या जिसको हम बोलेंगे 298.15 केल्विन, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और इसकी दूसरी कंडीशन है 1 bar प्रेशर, 1 bar प्रेशर के ऊपर, तो 1 mole ऑफ जो आइडियल गैस है, 1 mole ऑफ 1 mole ऑफ द 1 mole ऑफ द आइडियल गैस, ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24.789 लीटर पर मोल, और ml की बात करें तो ये कितना वॉल्यूम होगा, 24,800 ml, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम इसमें 1 mole का जो आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो इतना वॉल्यूम ये कंटेन करेगा ये, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट मतलब कुछ भी ले सकते हैं हम, K यहाँ पे ले रहे हैं हम K और ये N, और जबकि हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास इंटू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, गिवन मास इंटू मॉलिक्यूलर मास, तो V इज इक्वल टू के एम अपॉन कैपिटल M, ठीक है, ये क्या है गिवन मास और ये क्या है मोलर मास, तो अगर हम मोलर मास निकालते हैं यहाँ से तो M चला जाएगा यहाँ पे और K M ओवर V, M ओवर V होता है डेंसिटी, जैसे कि आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या आ जाएगा ये M इज इक्वल टू के डी, ठीक है, के डी। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या कंक्लूड निकाल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ गैस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलर मास के, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, थैंक यू।